कामयाब है अब अगर आप शादियों के बाहर चले जाएंगे तो यहाँ की जिंदगी से ज्यादा वहाँ की जिंदगी आसान है फिफ्टी परसेंट रिश्ते कामयाब भी होते हैं जब लड़कियों की भी डिमांड है हाई प्रोफाइल क्वालिफिकेशन हो लड़का लुक वाइज भी बहुत अच्छा हो एक डॉक्टर वो वहाँ पर मोबाइल बेच रहा है तो उनको चाहिए कि पहले बच्चे की तालीम तालीमल करें <laughs> <laughs> उसको इंग्लिश में ही करवाना है यहाँ तो लड़कियों के बहुत नखरे एज है लड़की की फिफ्टी सेवन ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन से वो करने को तैयार है मेरी बेटी के लिए तो कम अज कम इतना हो टेन टू फिफ्टीन लैक्स जो है वो इनकम होनी चाहिए ये जो रिश्ता आ रहा है इनकी जेनुअन नीड क्या है लड़का अगर बाहर बुला रहा है ना आपको नहीं सारा कट्टा खुल जाएगा जाए बहुत केसेस होते हैं और क्या बिजनेस खोलना है या उसको अपना कोई कारोबार करना है जैसे ही ग्रीन कार्ड मिला अस्सलाम वालेक। वालेकुम वालेकुम सलाम शोहर उगता जाते हैं शी इज नॉट स्मार्ट टू पिक अप ढाई साल के अरसे में लड़की अपने आप को उस मुताबिक ढाल लेती है तो लड़कियों को थोड़ा ये सेंसिबल होना चाहिए की आप अपने दीन ईमान का सौदा ना करें अच्छा रिश्ता चाहिए लड़की वालों को अच्छी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा अल्लाह मियाँ तुम्हारे बच्चे के नसीब अच्छे करे रिश्ता हो गया शादी हो गई लड़का चला गया शादी करके अगर वो लड़का निकाह रजिस्टर करवाएगा वो ऑथेंटिक है

जो हमें क्वेरीज आई हैं जो हमें सवाल हैं स्पेशली फरियाल उस पॉडकास्ट के बाद जो हमें सबसे सब ज़्यादा मिला वो था रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिश्ता रिश्ते हमें कैसे मिल जाएं तो मुझे ये बताएं कि लाइक बाहर के रिश्तों और बाहर रिश्ता करना या करवाना क्या ये कामयाबी की जमानत है कामयाब है आप अगर आप शादियों के बाहर चले जाएंगे तो जरूरी नहीं है फिफ्टी से तो लगता है। है। कि लोगों ने जिस तरह तो सवाल किए हैं और जो मैं अभी देख रही हूँ वैसे ही हालात के हमारे सब बाहर निकलना चाह रहे हैं तो अब ये भी एक लोगों के पास एक वे आउट है कि चलो शादी करके ही निकल लेते हैं बाहर तो ये बताएं क्या चक्कर है पता क्या देखें बात ही आ रही है ना कि यहाँ के नो डाउट इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है कि लोग ये चीज को एक्सेप्ट करें लेकिन आप ये मत सोचें कि यहाँ की जिंदगी से ज्यादा वहां की जिंदगी आसान है ऐसा नहीं है फिफ्टी परसेंट वो रिश्ते कामयाब भी होते हैं फिफ्टी परसेंट नाकाम भी होते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स केसेस की शराह जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है अच्छा दूसरी बात यह कि लोग ये समझते हैं कि जी हमने बाहर चले गए अब हमें बाहर का रिश्ता चाहिए हम वहाँ जाके अपने आप को सेटल कर गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है जरूरी लाएफ नहीं लाएफ। है बहुत सारे हर्डल्स आते हैं लाइफ में बर्दाश्त exactly. है। है। <laughs> करनी पड़ती है अब, 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 अब शादी करने जा रहे है तो आपको पता है कि वो उसकी अपब्रिंगिंग क्या है वो किस तरह वहाँ पली बड़ी है जाहिर सी बात है उसकी मैंटेलिटी अलग है आपकी मैंटेलिटी अलग है क्योंकि हमारे एशियंस के वाकई में जो बच्चिया वहाँ

अब हमें ये फौरन बाहर का रिश्ता दिखाएंगे ऐसा नहीं होता अगर लड़के की पिक्चर डिटेल्स प्रोफाइल्स स्पेशली उनको लड़की वालों को समझ गए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जब तक हाई क्वालिफाइड लड़का नहीं होगा उसकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर आज यहाँ पाकिस्तान का एक डॉक्टर आगा खान का एक बी डॉक्टर लिटरली वो वहाँ पर मोबाइल बेच अकबर आई स्वेर टू गॉड

मैंने कहा आप मोबाइल बेच रहे हो यहाँ पर हाँ यहाँ की एजुकेशन मैं मेरी जो एजुकेशन है वो यहाँ की एजुकेशन के हिसाब से अभी कम है मुझे उसके लिए अभी तकरीबन नौ साल और पढ़ना पड़ेगा oh US तो आगे हाँ करूँ तो मैं इससे बेहतर है कि मैं अपना ये काम क्यों ना कर लूँ आई एम शॉकड एग्जैक्टली खैर तो वही बात आ रही है कि मैं आपको यूँ बता रही हूँ कि वहाँ के जाने के लिए ये बी कॉम बी ए बी एस नो हाई हाँ अगर आप वहाँ है जैसे पढ़ने चले गए हम देखते हैं ये होता है की लड़का गया पढ़ने उधर लड़कियों में ना लग जाए चलो भाई पढ़ने गया यही रिश्ता करा दो और ध्यान ना जाए लड़के का लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब लड़कियां भी माशाला हमारी बड़ी करियर ओरियंटेड हो गई है लड़कियाँ की भी डिमांड है वो अगर पढ़ रहा है तो वो क्या सपोर्ट करेगा अभी वो खुद वहाँ सेटल बिल्कुल तो आप उस पर्सपेक्टिव में बात कर रही है ना कि उस पर्सपेक्टिव में भी जब रिश्ता दे रहे हैं या लड़कियाँ अगर ढूंढ रहे हैं वालदेन अपने लड़कों के लिए जो अभी क्वालिफाइड नहीं है प्रोसेस ऑफ स्टडीज तो उनको चाहिए कि पहले बच्चे की तालीमल तालीम, तालीम मुकम्मल करें।, करें और जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि वो अपनी बच्ची की शादी एक ऐसे इंसान के साथ कर दें कि जो स्टेबल ही नहीं है अभी तो वो स्टेबिलिटी पे बिल्कुल भी नहीं है ना अभी तो वो खुद पढ़ रहा है उसको साढ़े चार घंटे उसको मिल रहे हैं जॉब के वो फ़ीस अपनी ज़ाहिर सी बात है वहाँ का प्रोसेस है कभी यहाँ से तो माँ बाप नहीं भेजेंगे ना उसकी फीस वगैरह वो तो खुद अपना अर्न करेगा और अपना खाना कमाना जिसे कहते हैं और अपने आप पर ही लगाना तो उसका सिर्फ यही होता है कि फिर वहाँ की जो फैमिलीज होती है ना वो ऐसे लड़कों को कंसिडर नहीं करती हैं यहाँ से चाहिए रिश्ता तो भी डॉक्टर इंजीनियर और स्पेशली आई टी कंसल्टेंट आई सिर्फ आई टी फील्ड हाँ बस ये डिमांड है सी ए सी सी ए की भी कोई वैल्यू नहीं है अच्छा। जी मतलब बिल्कुल ट्रेंड्स चेंज मैं बिल्कुल आपको सीरियसली बता रही हूँ कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं और जिनकी फैमिलीज हैं ना वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इन चीज़ों को फोकस करती हैं कि हमें लड़का अब ऐसा दिखाइए वहाँ से अगर हमारे पास जो डिमांड आ रही है कि जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो हाई प्रोफाइल क्वालिफिकेशन हो और लड़का

You know, in relation to jobs, वो अब इस तरह आयरे रे हर किसी को नहीं कर रहे अब उनकी भी कुछ सर्टन लिमिट हैं और जो लोग इलीगल जाके सेटल हो जाते हैं तो उनको वैसे भी प्रोफेशनल जॉब तो मिलती नहीं है तो अगर कोई रिश्ते देख भी रहे होंगे तो वो फिर इसलिए इस परस्पेक्टिव में उनकी भी एक जो डिमांड जो है वो काफी हाई हो गई है जी बिल्कुल अच्छा की कमिंग इन टू डॉक्यूमेंटेशन तो ये बताएं फिर यार कि जैसे अगर कोई रिश्ता होता है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बी इट अ गर्ल और अ बॉय तो वो बेसिक क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूएस एंबेसी में या बाहर की एंबेसी में सबमिशन करानी होती है जब फर्स्ट कर निका हो, हो गया हाँ देखिए निका के बाद अगर जैसे लड़की यहाँ से जानी है तो डेफिनेटली लड़का हो या लड़की उसकी जितनी भी एजुकेशनल उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी चाहिए होते हैं निका नामा इंग्लिश में वो तो आपको पता है नादरा का हाँ, वो, वो फिर बनता है, है वो कन्वर्ट होता है तो इससे के लिए हम यही कहते हैं कि आप जो निका नामा है वो मतलब पहले ही बनवा के यानी निका टाइम आपने उसको इंग्लिश में ही करवाना है उर्दू में नहीं अगर आपको बाहर का रिश्ता आ रहा है बाहर बाहर का प्रोसेस चाहिए तो ठीक है तीसरी चीज़ ये आती है कि जनाब निका नामा हो गया हाँ पास फिर उसको लड़की की जो आईडी होती है हमारा जो नेशनल आईडी कार्ड है

तो इसमें फिर आप कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं जब आप रिश्ता चल रहा होता है प्रोसेस और लड़का लड़की आपस में बात करना चाहते हैं तो वो क्या है जूम है व्हाट्सएप है क्या वहां से कॉल आएगी पहले फैमिली देखेगी लड़की को पहले उसको वो पूरा पूरा जांचेंगी उनको ये कि लड़की हमारे के मुताबिक है अच्छा मतलब वही है कि लड़की <laughs> को पहले देखा अभी अभी तक तक ये वो ट्रेंड वो है वो वहां रहते भी उनकी जो मैंटेलिटी है ना वो चेंज नहीं है वो सेम वही है अपना लाडला जैसा अपना लाडला जैसा भी तो बस वो देख के फिर उसके बाद जब वो ओके करती हैं तो फिर बात आती है कि जी हमने अब हमारे पास आती है ये बात कि अब हमने लड़के से डायरेक्ट बात करानी है नहीं लड़के से पसंद हमें समझ आ गई है अब हमारा बेटा बात करेगा तो अगर आप उसकी हमें परमिशन दिला दें तो कॉल होती है फिर व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल होती है या स्काइप पे होती है या ईमो होता है तो आपका वाईफाई कनेक्शन होना भी बिल्कुल और अगर लड़का लड़की में कनेक्शन हो जाए तो क्या ही अगर तो तो नहीं नहीं वो फिर बन जाता है अगर लड़की को भी लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का समझ आ गया लड़की को तो जाता है क्योंकि बाहर का भी बंदा है क्यों मना करेगी चाहे वो जैसा भी है अच्छा अभी भी आ जाता है बाहर का लड़का हाँ लड़कियों के अब लखड़े बढ़ गए मेरे ख्याल से। नहीं यहाँ की लड़कियों की जब बाहर जाने को होता है ना तो उनको अच्छा, सब अच्छा। समझ आ है। वो हर चीज यहाँ के लिए एक्सेप्ट करेंगी यहाँ में, में नखरे दिखाएंगे लेकिन वहाँ के लिए यूके है या यूएस है ऑस्ट्रेलिया बाहर के लिए तो बिल्कुल सर तस्लीमे खम है

उसको लड़का चाहिए या तो अगर यहाँ से हो तो पता नहीं भाई कौन सा लड़का चाहिए जिसकी दस पंद्रह लाख रुपए उसकी आमदनी हो इनकम हो ठीक है वरना उसे बाहर का रिश्ता चाहिए जिसके लिए वो क्या बस बयान एज है।, no <laughs> है लड़की की फिफ्टी सेवन ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन से वो करने को तैयार है तैयार है बहुत बातें होती हैं सब कुछ होता है चल रहा है मामला अच्छा चल रहा है ये yes. बताइएगा जरूर अपने हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम पता करेंगे अरे <laughs> यार रिश्ता हुआ या नहीं हुआ चल रहा है मामला अब मतलब माशाल्लाह क्योंकि उनको भी उनकी भी डिमांड क्या थी सेकंड मतलब उनकी शादी थी डिवोर्स हो चुकी थी बड़े-बड़े बच्चे हैं तीन अकेले रहते हैं बड़े वेल सेटल्ड हैं वो वहां पर तो वो लड़की को यही चाहिए मतलब शी वांटेड अ वेल सेटल्ड हस्बैंड ठीक है मतलब हर किसी की, की, की बातें कुछ कह नहीं सकते डिमांड है ना जब उनको कहने की कहेंगे हमें इन चीजों से मैंने जब मैं डर रही थी बताते हुए ना yeah. क्योंकि वो हर रिश्ते की रिश्ता एक से बढ़कर एक रिश्ता बताओ यहाँ पर दो लाख ढाई लाख तीन लाख रुपए बाईस की इनकम है नहीं ये तो आप ना किसी नॉर्मल लड़कियों को दिखाएं मेरी बेटी के लिए तो कम से कम इतना हो टू तो जो है वो इनकम होनी चाहिए अच्छा, 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 ये खुल के बोला फिर उसके बाद मैंने जब ये रिश्ता दिखाया मैंने कहा भाई बहुत मतलब वेल्दी भी है और बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी भी नो डाउट उनकी बहुत जबरदस्त है तो बताया था मैंने कहा ये मुझे बड़ी डांट पड़ेगी कि ये दिखा के आ रही है मेरी बत्तीस साल की बेटी है और ये मुझे 57 सेवन ईयर्स ओल्ड जो है एक आदमी दिखा रही हैं जिसके तीन बच्चे हैं जो बड़ी बेटी इस बच्ची के बराबर है तो फिर उसके बाद जनाब मरते डरते रहते मैंने कहा तो एग्री है हाँ हाँ बात चल रही है अच्छा देखिए फयाज अभी आपकी इस बात से मेरे जहन में एक रेड फ्लैग खड़ा हुआ कि वाइज शी एक्सेप्टिंग समबड़ी मतलब क्राइटेरिया ही तनख्वाह है ना तो अभी हम रेड फ्लैग्स पर भी आएंगे कि वॉट आर दोज रेड फ्लैग्स जो एक नॉर्मल रिश्ते में आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए आपको कंसिडर करना चाहिए अभी हम इस पर आएंगे मुझे बताएं कि जैसे अभी ये रिश्ता आपने एक लगाया तो आपका क्राइटेरिया क्या है जैसे आपके पास इतने रिश्ते होते होंगे डेटा में तो आपका क्या क्राइटेरिया है कि आप किस तरह मैच को जोड़ती हैं कि हाँ भाई ये कुछ सही लग रहा है क्या इलाका वाइज होता है या कि मतलब डिफेंस की लड़की ही अमेरिका शादी होके जाएगी या कोई क्लिफ्टन की लड़की का स्पेशल रिश्ता है मतलब मैं ये जानना चाह जा रही हूँ कि आप लोग किस तरह उसको फिल्टर आउट करते हैं रिश्तों को नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है कि डिफेंस की लड़की है तो वही बाहर जाएगी डेफिनेटली हाँ. जहर से मतलब ऐसा भी नहीं है कि जी जो लोअर क्लास हमारे एरियाज हैं तो लड़के लड़के वाले बाहर के लड़के वाले। भी जाते हैं हमारे हाँ, से बहुत से, ऐसा है हमारी है में लेकिन मैं आपके पास तो फिल्टर हम लोग इसी तरह करते हैं सिंपली की सबसे बड़ी बात है डिमांड होते उनको एवरेज इशू नहीं है एरिया का बस लड़की खूबसूरत चाहिए प्रोफेशनल डिग्री होल्डर चाहिए तो तो आप वो कह देते हैं कि ठीक है इट्स ओके हम दिखा दें हम उनको बताते हैं कि भई आपकी एटी परसेंट चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट की वो मैच हो रही हैं बस एरिए का इशू आ रहा है कोई अगर इस पर इशू नहीं है ठीक है इट्स ओके दिखा दें लड़के वाले बासव मान भी जाते हैं कोई ऐसा नहीं है कि जी डिफेंस का ही लड़का है या लेफ्टेंट का लड़का है ऐसी कोई डिमांड नहीं होती लड़के वालों की बस यही होता है कि लड़की खूबसूरत होता मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में भी बता दिया था और इसकी प्रोफेशनल डिग्री हो बाकी ये कि फैमिली अच्छी हो नोबल फैमिली हो बस और कोई डिमांड नहीं होती अच्छा और ऑथेंटिसिटी किस तरह चेक करते हैं कि जैसे अब बाहर से कोई रिश्ता आया अच्छा ऑथेंटिसिटी बोथ वेज होती है फ़रियाल क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ के लोग भी जो बाहर जा रहे होते हैं उनकी नीयतें ख़राब होती हैं कि फ़र्ज़ करें कोई लड़का है वो बाहर की लड़की ढूंढ रहा है क्योंकि उसको सिटीज़नशिप चाहिए सिमिलरली वाइस फर्सा बाहर जो हैं वो यहाँ लड़की ढूंढ रहे हैं अगर क्योंकि उनको घरेलू बहू चाहिए कोई काम करने वाली चाहिए तो मतलब हम ऑथेंटिसिटी किस तरह चेक करें कि ये जो रिश्ता आ रहा है इनकी जेनवन नीड क्या है ये कोई धोखा तो नहीं दे रहा अभी हम आगे स्कैम्स वगैरह पर भी आएंगे लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि ये किस तरह हम इसको गेज करें रेड फ्लैग्स को किस तरह आइडेंटिफाई करें uh, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटी के लिए बाहर का रिश्ता तलाश कर रहे हैं और आपको सर्टेनली अगर हम लोग आपको दिखाते हैं कोई रिश्ता आप ये ना सोचें कि हमने रिश्ता दिखाया है तो जी हमारे पास इसकी हंड्रेड परसेंट डिटेल्स हैं हमारे पास वो चीज़ें सामने हैं जो वो हमें बताई गई हैं आगे की बात आ जाती है वही चीज़ और हमारे फॉर्म में ये मेंशन होता है कि इंक्वायरी करना मुकम्मल आपकी जिम्मेदारी है ये हमारा कंसर्न है गारंटी तो अपने रिश्ते में फैमिली में होके हो गड़बड़ जाती है है बिल्कुल, उसकी है, ही है। है। बिल्कुल <laughs> लेकिन बात ये है कि फिर उसके बाद आता है जब लड़की वालों के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर लड़के का लें चेक करें और उसको बैलेंस चेक करें ये सब चीजें उसका पूरा बैकग्राउंड पूरा स्टेटस उससे निकलवाएं उस एक सोशल सिक्योरिटी नंबर से उस लड़की की सारी डिटेल्स इनको मिल सकती हैं है कि वो उस पर कोई कहाँ केस तो नहीं है क्योंकि उनका जो ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है ना वही सब ID कुछ है डेफिनेटली बस उसी पे सारी चीजें क्योंकि वो पूरा सिस्टमैटिक है उनके यहाँ सारा सिस्टम से इंगेज है तो वो डेफिनेटली उसमें सारी चीजें आ जाएंगी इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है फिर फ्रेंड सर्कल लड़के का फ्रेंड सर्कल क्या है किस तरह के लोगों के साथ वो उठता बैठता है ये भी मालूम बहुत जरूरी है और ये चीज़ के अगर आप नहीं जा सकते मैं एक यूएस की बात करूँ यूके की अब्रॉड की बात करूँ इवन मैं यू ए की भी बात करूँ तो आपने तो अपने किसी भी अगर फैमिली मेम्बर को ये काम दिया है ये ज़िम्मेदारी दी है कि ये मालूम करके दें तो उनसे ये कहें कि लड़का अगर बाहर बुला रहा है ना आपको कि आप जी मुझसे आके मिलने हम कहीं मिल लेते नहीं आप घर जाएँ आप उसके घर जाएं वो जहाँ भी रह रहा है वो अगर शेयरिंग पे भी, भी रह, रह रहा है वो तब भी वो अगर इंडिविजुअल रह, रह रहा है तब भी एक कमरे के फ्लैट में भी स्टूडियो फ्लैट में भी रह रहा है तब भी उसके आप घर उसके घर देखें उसके वेन्यू को ज़रूर चेक करें उसके फ्रेंड सर्कल्स उसको देखें जाकर और ऐसे जल्दी रिश्ता ना, ना करें टाइम लें उसके बाद जब सारी मालूम और सारी चीज़ें आपके लिए ओके हो गई हैं छः महीने का कम अज़ कम टाइम ज़रूर लेना चाहिए ठीक है ना तो फिर उसके बाद अगर सारी चीजें पॉजिटिव लाइन में आ रही हैं तो आप उसको ओके कर बेसिकली आप कह रही हैं, चाहे यूएस का हो यूके हो यू ए हो बेसिकली जो एक आईडी है सोशल सिक्योरिटी है वो पेरेंट्स को सबसे पहले पूछना सब चाहिए सबसे पहले अगर आप खुद बाहर नहीं है तो आपका कोई रिलेटिव अगर बाहर है तो आप उनको वो सोशल सिक्योरिटी नंबर दें ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके और ये अलार्मिंग है अगर वो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं दे रहे बस ये रेड फ्लैग्स हैं। आप हमें बताएं कि हमारी बात हुई थी और इस तरह करके उन्होंने मतलब मैं आपको वाकई में बता रही हूँ मेरे पास ऐसा एक रिश्ता आया था मेरा बाहर का रिश्ता था मैंने अपनी क्लाइंट दिखाई थी और डायरेक्ट थे मतलब वो दोनों रिश्ते मेरे ही थे सही। तो जब ये बात क्योंकि मैं ये बात अपनी जो फैमिलीज़ होती हैं यहाँ पर ये स्पेशली उनको मैं गाइड करती हूँ कि देखिए आपने ना ये चीज़ ज़रूर करनी है आप उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर लें क्योंकि उससे पूरा उसका बैकग्राउंड आ जाएगा क्योंकि वहाँ पूरा जो उस नंबर से सारा उस उनका सिस्टम इंगेज है आप तो एक फैमिली से मेरा इस तरह कॉन्टेक्ट हुआ कहने कि आपसे जैसे कहा था हमने वैसे ही किया और हमने उनसे जब नंबर मांगा तो उन्होंने नंबर देने से मना कर दिया कि ये मैं नहीं दूँगा क्योंकि उससे सारा कट्टा छट्टा खुल जाएगा क्योंकि उसी वाकई में उसी नंबर पे ना केसेस वगैरह जब इनके होते हैं ना क्योंकि वहाँ बहुत केसेस होते हैं लड़कियों हाँ। पे हाँ। बहुत ज्यादा होते हैं गाड़ी है लगा दी किसी का एक्सीडेंट हाँ, कर दिया कोई टिकट्स हैं कोई चालान है कोई भी आपका अगर कोर्ट केस तो वो सब जो है ना वो सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देगा तो उसने कहा नहीं बता रहे मैंने कहा बंद मना कर दें फिर मैंने फैमिली से कहा मैंने कहा आपसे जब एक चीज़ मांगी है मैंने कहा इंक्वायरी करनी है ना तो इंक्वायरी किसी भी तरह करें तो कह लगे नहीं इसका कोई क्या मतलब है कि सोशल हमें वो नंबर दे दें वो तो इतना ज़रूरी नहीं होता वो तो प्राइवेट होता है वो मैं तो नहीं दे सकती अपने बेटे का ये नंबर ना मेरा बेटा देगा मैंने कहा ठीक है इट्स ओके तो बात करता हूँ बिल्कुल क्या मैंने आप प्रेन प्रेन हैं, तो ठीक है तो मैं आगे, आगे आपके लिए प्रोसीजर करने को तैयार हूँ अदरवाइज सॉरी मेरी तरफ से जब आप चीजें लड़की की सही से प्रोवाइड नहीं कर रही यहाँ की बच्चियाँ या कोई भी बच्ची हो मेरे लिए यकीन माने सारी बच्चियाँ मेरी बेटियों की तरह होती हैं बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो होती है ना वो बहनों की तरह जो छोटी छोटी होती है वो बच्चों की तरह होती है बिल्कुल क्योंकि ये बहुत बेसिक एक पॉइंट है और आपने भी जो वेन्यू चेक करने की बात की ये भी एक बड़ी अच्छी एक बात है फरियाल बिकॉज यूजली ये होता है कि हम लड़के की ऑथेंटिसिटी या लड़के से मिलने के लिए हम यूजली उसको बुला लेते हैं कि यू नो आप हमारे घर आ जाएं अगर जैसे कोई रिलेटिव आप कहते हैं हाँ भी हमने उसको बुला लिया बड़ा अच्छा लड़का है लेकिन हम कभी और हम इसी डर से नहीं जाते कि भाई वो अकेला रह रहा होगा या वो फ्रेंड्स के साथ होगा क्योंकि फैमिली तो है नहीं तो जो अकेले क्या मिलें जाके जबकि फ्रेंड सर्कल देखना भी ऑब्वियसली जैसे आप अपने बेटे के लिए एक फ्रेंड सर्कल पे चेक रखते हैं तो अगर आप कोई नया रिश्ता आ रहा है किसी लड़के को देखने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं अगर वो फ्रेंड्स के साथ रह रहा है दर इज नथिंग रॉन्ग कि आप जाके वो वेन्यू देख लें हेलो कर लें खड़े खड़े ही जाके हेलो कर लें बहुत सी चीजें आपके सामने खुल के आ जाती हैं साथ पता चल जाता है कि क्या है इनका हिसाब exactly. कोई बॉटल तो नहीं रखी हुई हाँ, कुछ एक्टली exactly. और फिर दूसरे रेड फ्लैग ये भी सोच रही थी अभी जैसे हम रिसेंटली अभी बात कर रहे थे कि वो फैमिली की डिमांड थी कि सिर्फ दस पंद्रह लाख की सैलरी हो mm -hmm. तो ये मैं आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट लेकिन मैं अपने लिए अगर ये सोचूंगी तो ये एक रेड फ्लैग है फॉर मी कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एंड ओनली द पे कि उसको जाके भा क्या बिजनेस खोलना है या उसको अपना कोई कारोबार करना है कि मतलब वो मतलब लड़के की एज में और उसमें इज़ नॉट इंटरेस्टेड तो मेरे लिए ये एक एक अपनी पर्सनालिटी होती है मेरे लिए ये रेड फ्लैग है कि वो किसी और चीज को कोई कंसिडर ही नहीं कर रही कोई भी बाहर का रिश्ता हो चाहे आपकी लड़की है या लड़का प्लीज आप छे महीने का टाइम तो लें उससे पहले निकाल महीने में और हमें इसी महीने में निकाल कर नहीं छह महीने का टाइम लीजिए उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर उसकी हर चीज अगर वो ठीक है आपके लिए आपने इंक्वायरी कर ली की बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि यहाँ हाँ। से जो बच्ची जाती है ना पढ़ी लिखी क्योंकि देखे अच्छा वो चीज़ भी मैं बता दू आम बच्चियाँ नहीं जाती आम बच्चियों के लिए कोई डिमांड नहीं है जैसे नॉर्मल पढ़ाई वाली प्रोफेशनल डिग्री होल्डर लड़की चाहिए ताकि ये कि वहाँ वो जॉब कर सके इजी मतलब अपने आप को सर्वाइव कर सके अपने हस्बैंड के साथ जो यहाँ से पढ़ी लिखी बच्ची जाएगी ना अगर आप उसको भेज रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क है इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ मालूम पूरी करें मेरी हर पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट होती है पर्सनल रिक्वेस्ट हमें कोई इशू नहीं है हम बैठे हुए हैं हमारे टाइम का कोई इशू नहीं है आप बस जब तक आपकी आप सेटिस्फाई ना हो आपको सारी चीज़ें सही पॉजिटिव लाइन में नहीं आ रही हैं तब तक आप ओके ना करो निका तो बिल्कुल ना करें जल्दबाजी का निका ना करें क्योंकि फिर उस बच्ची की ना लाइफ बड़ी र्यून हो जाती है और वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि वो ना किसी से कुछ कह सकती है जो बात सच है अभी भी हमारी बच्चियाँ है जो हैं ना वो ऐसी हैं बर्दाश्त कर लेती है तो exactly. जाती है वो अभी हम पर भी आएंगे की किस किस तरह के होते हैं आगे। और क्या क्या पड़ते हैं हमारी बच्चियों को वाले की गलती तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन कह लें। उसकी वजह से मुझे बताया अभी आपने हमने, हमने अमेरिका और यूके की तो बात कर ली यू ए के अगर रिश्ते होते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ सीख करते हैं कि वहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी होता है वहाँ का क्या प्रोसेस है देखिए वहाँ जाहिर सी बात है लड़का जहाँ रह रहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी वहाँ वर्थ क्या है लड़के की क्या वो लड़की को यहाँ से ले जा सकता है पहली चीज़ ये चेक करनी चाहिए अगर उसके डॉक्यूमेंट्स इस तरह के हैं उसकी जॉब इस तरह की है उसका अकामा चेक कीजिए उसका अकामा चेक करें उससे उनको उसकी लड़के की सारी बैकग्राउंड और सारा स्टेटस और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और यह कि यह भी पता चल जाएगा कि आपकी बेटी को क्या वो शादी के बाद अपने साथ रखेगा या वो बच्ची यहीं रहेगी और वो लड़का वहाँ रहेगा ये सबसे मेन पॉइंट है उसके स्टेटस चेक करें उसके ये वर्थ देखें कि उसकी वो वहां वर्थ क्या है उसकी जॉब नेचर क्या है तो ये सारी चीजें क्योंकि यू का तो उतना मुश्किल नहीं होता यू में कोई ना कोई रिलेटिव को, आपके ऐसे होते, होते हैं मोस्टली होते हैं कि ना वो पता करा लेते हैं तो वो इस तरह पता करते हैं कि अकामे का जो नंबर होता है वो उससे वो डिटेल्स निकलवाते हैं वही ऑफिस जाके जैसे यहाँ का सिचुएशन है यहाँ की जाके मालूम ले लिया ऑफिस चले गए इसी तरह वहाँ ये सारी चीजें होती हैं। ऐसी पेरेंट्स मुझे लगता है थोड़ा सा हम भी नर्वस हो जाते हैं कि अभी अच्छा बाहर का रिश्ता आया है कहीं हाथ से ना निकल जाए कहीं नाराज ना हो जाए कहीं चले ना आए तो हम भी जल्दी कर देते हैं और हम वो प्रॉपर टाइम नहीं देते उस रिश्ते को प्रोसेस होने में और हम जिसे कहते हैं ना डर के मारे या अंडर प्रेशर आके के लड़के वाले अगर कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी और हमें करना है तो हम उसमें अपनी बच्ची को सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते ना बिल्कुल तो ये चीज़ पेरेंट्स के समझने की है ये वो समझना चाहिए बिल्कुल यमुना क्योंकि देखें लड़की की लाइफ को इस तरह बर्बाद ना करें आप लोग माँ बाप हैं तो माँ बाप को वाकई ये सोचना चाहिए कि अगर एक चीज़ अच्छी सामने से नज़र आ रही है ना वो सामने से अच्छी है उसके बैकग्राउंड में क्या है उसके बैक पर क्या है वो ज़रूर

पासपोर्ट रख लिया उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए पासपोर्ट तो कैर चले वो चला गया एम्बेसी में चला गया लेकिन जब वो आता है वीज़ा लग के यानी ग्रीन कार्ड के उस पर जब कन्वर्ट होता है तो वो फैमिलीज़ जो बहुत शार्प होती हैं जो उसको मिसयूज़ करना चाहती हैं तो वो रख लेती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके रखती हैं और आप यकीन करें कि यहाँ से जैसे लड़कियाँ जाती हैं और उनको मेड बना दिया जाए वो वो लड़के के साथ भी वही सलूक होता है बड़ा परेशान हो जाता है फिर वो लड़का भागता है लेकिन बात ये आ रही है कि बाहर जाने के चक्कर में तुम्हारी ख्वाब थे ना बाहर जाने के अब बुक तो बिल्कुल नहीं। नहीं। लेकिन वो ये ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वॉट इज द थिंकिंग एंड लॉजिक बिहाइंड कि जब आप किसी से शादी कर रहे हैं तो शादी और निकाह का जो एक मतलब है एक रिस्पेक्ट है एक ट्रस्ट है जब वो शुरू में ही इस तरह बर्बाद हो जाएगी या टार्निश हो जाएगी वो चीज़ तो वो फिर रिश्ता बनेगा कैसे इसका मतलब क्या बनाना ही नहीं चाहते थे इन द फर्स्ट प्लेस कि अगर आप लड़के लड़कियों का तो चलो समझ आता है क्योंकि हम अक्सर ये फ्रॉड्स इस तरह के देखते हैं कि मदर इन लॉ जो हैं उनको एक पाकिस्तानी बहू चाहिए थी तो वो इसलिए लड़की को बया के ले आई वहाँ गए तो पता चला कि भाई वहाँ तो उनकी अपनी एक गर्लफ्रेंड थी और वो तो करना ही नहीं चाहते थे शादी या बहुत से ऐसे ये भी केसेस देखने में आए फ़रियाल के उनका जेंडर जो है इट वॉज नॉट राइट एंड पेरेंट्स थाट कि भाई शादी हो जाएगी तो शायद वो कुछ उनका रुझान इस तरफ हो जाए ये भी केसेस देखने में आए कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि भाई पांच साल तक साथ रह लिए उसके बाद भाई आपको मिल गई सिटीजनशिप चलो भाई इस्लामक अल्लाह हाफिज तो मेरा तो ये तीन चार इस तरह के फ्रॉडुलेंट केसेस की हम एग्जाम्पल है। देखते हैं लड़कों बेचारों का क्या रीजन है कि वो लड़के को लाए हैं तो उसको बेचारे को क्यों गुलाम बना लिया ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या क्या थिंकिंग है वजह ये है ना कि देखिए वहाँ जो लड़के लड़कियों की एक अप्रिंगिंग हुई है तो डेफिनेटली वो लोग जो हैं अपने उनकी एक मैंटेलिटी बिल्कुल अलग है वहाँ के लड़के हों वहाँ की लड़कियाँ हों अब यहाँ से जो लड़का गया है वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वो उसके दिमाग में तो यहाँ वो तो एक, हाँ। एक एशियन वो पाकिस्तानी हाँ। उसका दिमाग है बिल्कुल तो डेफिनेटली उसका जो माइंड है वो लड़की के माइंड से नहीं मिल रहा अब शादी तो हो गई लड़की उसको अब बिल्कुल, लड़की। ट्रीट कर रही है, बिल्कुल।, बिल्कुल उन्हें आदत नहीं है ट्रीट उन्हें है। आदत नहीं है उन्हें पाबंदियों की आदत नहीं है क्योंकि वो लोग बिल्कुल आजाद माहौल में पले बड़े होते हैं माँ बाप की कोई रुकावट नहीं होती ये हकीकत है बहुत कम ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करते लेकिन ज़्यादातर बच्चियाँ करती हैं और ज़्यादातर बच्चियाँ ही मना करती हैं कि हमें वहाँ अब अब यकीन माना बिल्कुल भी मैं आपको सच बात बता रही हूँ जितना मेरे मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली मेरा फिफ्टीन ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये शादी का शुरू में बहुत ज्यादा हमने कराई हैं शादियाँ जो बाहर की लड़कियां थी वो के लड़के ले जाती थी और उसमें वो भी इतनी डिमांड नहीं होती थी कि कोई हाई प्रोफाइल हाई प्रोफेशनल डिग्री हो कोई ऐसा नहीं होता था, <laughs> था।, था। की आती थी, थी लड़के ले जाती सीरियसली <laughs> हाँ लेकिन अब नहीं है हाँ। चेंज हो गई है माइंड उनका चेंज हो गया क्योंकि नो डाउट से अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जी वहाँ के यहाँ के लड़के वहां जाके परेशान भी होते हैं तो यहाँ के लड़के वहां जाके लड़कियों को धोखा भी देते हैं ग्रीन कार्ड आता या लड़की को छोड़ा तो इसलिए अब उससे वो, वो जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स अब वो कहते हैं ना कि वो क्या एक मिसाल है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस भी जाता भी है हाँ। तो वो एक चीज ये हो जाती है कि अगर अच्छी फैमिली भी होती है ना तो वो डर डरी भी होती है और ये बात मुझे मेरे क्लाइंट्स ने खुद हाँ। कही है मैंने बिल्कुल मेरे क्लाइंट्स ने मेरी बात हुई मैंने कहा पाकिस्तान से कोई लड़का दिखा दू बच्ची जो थी बस नॉर्मल थी और उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी हालाँकि वो वहाँ मेडिकल पढ़ रही थी और डॉक्टर बनी है ट्वेंटी नाइन ईयर्स उसकी एज हो गई थी क्योंकि वहाँ इतना टाइम लगता है डिग्री कंप्लीट होने में तो सिटीज़न थी वो वहाँ की मैंने बड़ा कोशिश की मैंने कहा देखें एक्सेप्ट नहीं कर रहे लड़के उनको नहीं समझ आ रही है तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ रेफ़र कर लें मैं यहाँ से आपको बहुत अच्छी हाई यानी प्रोफाइल फैमिली और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर लड़का दिखाऊंगी, डॉक्टर इंजीनियर ही दिखाऊंगी माजरत कर ली कि बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम बहुत डरे में इस चीज से हमारा साथ पहले भी एक केस ऐसा हो चुका है हम पाकिस्तान से अपनी बड़ी बेटी के लिए लेकर आए थे और जी उन्होंने जब उनको जैसे ही ग्रीन कार्ड मिला तो तो फिर तो बंद करना असला है, तो है।, है वो ये हकीकत है सच में डर गए क्योंकि पर्सनली मैं जानती हूँ ना उन फैमिलीज को वो मेरे बड़े क्लोज मतलब दोस्तों में आते हैं दोनों तरफ से ज्यादा मतलब लड़कों के साथ भी होती है असल बात ये की हम अपनी नियतों को साफ रखें क्योंकि वो यही बात है की शादी का

क्योंकि वो यहाँ पे इतनी प्रोटेक्टेड एट टाइम्स होती हैं माँ बाप की सुपरविजन uh, में विजिलेंस में जॉइंट फैमिली है फो पोना नीदा दी पर जब वो बाहर जाती हैं और वो एक खुला डुला माहौल देखती हैं या उनकी एक जो इन्वायरमेंट है वो देखती हैं तो उनको सेटलिंग इशूज आते हैं आते हैं कल्चरल है। हाँ कल्चरल शॉक भी लगता है और अगर आप अपडेटेड नहीं हैं और अपने आप को आपने अपग्रेड uh, नहीं किया है तो वहाँ चीजें सीखने में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है जिसकी वजह से भी हो सकता है बाज़ दफ़ा शोहर उगता जाते हैं कि यू नो शी इज़ नॉट स्मार्ट इनफ टू पिक अप या यू you नो know, इतनी एजुकेटेड नहीं है इतनी स्मार्ट नहीं है तो क्या ये चैलेंजेस आते हैं भोली भाली, भाली, भाली सीधी लड़कियों को हाँ इस टाइप की लड़कियाँ जो बिल्कुल सिंपल होती हैं एजुकेशन भी उनकी नॉर्मल हाँ, एजुकेशन होती है तो ये सर्वाइव करना पड़ता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है उनको एडजस्ट होने में हाँ क्योंकि जैसे देखिए ना प्रोफेशनल लड़की जो होगी ना वो एडजस्ट हो जाती है उसकी वजह यह उसके पास एक तालीम है क्योंकि उसको शौर है वो एडजस्ट हो जाती है क्योंकि वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाती है लेकिन जो इतनी सिंपल लड़की जा रही है और वो आप आ, एजुकेशन भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है बस नॉर्मल पढ़ाई है सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है उसने तो उसको तो टाइम लगेगा ना उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए क्योंकि वजह यह है कि वो इतनी आसानी से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती अब वही चीज वो बात सच है कि इसमें और मैसेज देना चाह रही हूँ ना वो ये है कि वालदेन जो अपनी बच्चों के लिए बाहर रिश्ते अगर सीख कर रहे हैं तो उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अपनी बच्चियों को फिर उस तरह रेस करें इस तरह बच्चों को इतना स्मार्ट बनाएं इतना इंडिपेंडेंट बनाएं इतना एजुकेटेड बनाएं कि दे आर वर्थ इट कि लोग अगर उनको बया के बाहर ले जा रहे हैं तो वो बच्चियों के लिए भी आसानी हो कि वो इजिली उस अच्छा, सिचुएशन में आप कर एक चीज और बताऊंगी ये बात आपकी सही है कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी हो गई निकाह हो गया शादी हो गई चले मैं निकाह नहीं मैं शादी की बात करी वैसे मोस्टली जो है वो निकाह होते हैं रुख्सती नहीं होती अब अब जो पाकिस्तान में भी हमारे रुझान है ना वो निकाह कर देते हैं पेपर लेके चले गए लड़की के डॉक्यूमेंट सब चले गए तो अब उसका जो टाइम पीरियड है ना डेढ़ से दो साल ढाई साल बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं कि उसमें खत्म भी हो जाते हैं ये निकाह आपस में निकाह के बाद भी बातचीत इतनी खत्म इतनी हुई कि खत्म हो गई क्योंकि लड़की इतनी समझ आई उसकी मेंटालिटी नहीं समझ आई लड़के ने मना कर दिया नहीं मैंने नहीं करनी लड़की तो कभी भी मना नहीं करेगी आप सोचो ना लड़की पागल थोड़ी है जो मना करेगी बाहर जाने लगे लेकिन लड़का मना कर देता है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उस दो ढाई साल के अरसे में लड़की अपने आप को उस मुताबिक ढाल लेती है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना ज़ाहिर से पता निकाह हो गया मियाँ बीवी का रिश्ता तो बन गया ना? एक अल्लाह की तरफ से जो रिश्ता होता है नाम जुड़ता है तो वो हो गया फिर वो लड़का उसको उस तरह बनाता है लड़की यहाँ है उसको बताता है कि भाई वहां का कल्चर क्या है वहां किस तरह हम रह रहे हैं तो वो चीजें भी लड़कियां जो लेकर जाती है ना जो शौर जिनमें होता है मैं इसीलिए बता रही हूँ तो वो उस में फिर बीवियों को उस तरह समझाएं कि भी किरदार है, कि अगर शेप हो रही है या उनके लिए अपने आप को चेंज कर रही हैं तो उसमें लड़के का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कि वो किस तरह अपनी बीवी को ट्रेन कर रही है यहाँ आने के लिए एग्जैक्टली तो ये चीज हमें बहुत समझने की अब है वैसे ही हूँ ना मैं आपको एक बात बताऊँ अब बच्चिया माशाल्लाह समझदार देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब माशाल्लाह इतना ज़्यादा हमारे यहाँ एजुकेशन का एक मैार बन चुका है कि अब हर लड़की मैं लड़कों से ज़्यादा बता रही हूँ लड़कियाँ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होती हैं हमारे पास जितने रिश्ते आते हैं ना उसमें लड़कियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अब नहीं आती बीए ए वाली लड़कियाँ नहीं आती अब सब माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्चियाँ होती हैं तो वो सब एडजस्ट कर लेती हैं माहौल में ढल जाती हैं मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक अपनी बात करूं मैंने कभी लाइफ में जीन्स नहीं पहनी थी मैंने कभी लाइफ में मैं बचपन से लेकर अब तक हकीकत में बता रही हूँ मैंने कभी ये वेयरिंग नहीं की थी मैंने वहाँ जाके की एडजस्ट हुई ना मैं वहाँ के माहौल में मैं इस एज में आके एडजस्ट हो गई तो वो तो बच्ची जब जा रही है तो वो तो डेफ़िनेटली अपने आप को एडजस्ट कर लेती है लेकिन फ़लयाल देखिए लड़कियों को ये भी देखना चाहिए कि अगर जो शोर बात कह रहा है जैसे आप एक बात कह रही हैं कि जीन्स टी शर्ट है या जो भी है तो लड़कियों को थोड़ा ये सेंसिबल होना चाहिए कि आप अपने दीन ईमान का सौदा ना करें उस चीज़ पे ना कि अगर शौहर कोई ऐसी बात कह रहा है जो दीन के ख़िलाफ़ है या वो आपको यू नो गलत तरफ अगर ले जा रहा है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत दफ़ा मिस भी हुई हैं लड़कियाँ गलत कामों के लिए वहाँ जाके ये भी एक फ्रॉडुलेंट केसेस का बहुत बड़े हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा यू नो लड़कियों को स्मार्ट होना पड़ता है चीज़ जो बात है वो ये है क्या ये मैटर करता है रिश्ते में बहुत ज्यादा सही बताए सच में बहुत ही अच्छी है लेकिन घर अच्छा नहीं है तो अच्छा। रिजेक्ट हो जाता है देखिये जाहिर सी बात है अब अब पहले तो आप उस लड़की की फैमिली की डिमांड देखे ना बच्ची उनकी खूबसूरत है पढ़ी लिखी है तो डेफ़िनेटली वो चाह रहे हैं कि उनको रिश्ता थोड़ा अच्छा जगह का अच्छे एरिया का मिले एक लोअर क्लास फैमिली की मतलब लोअर एक क्लास एरिया की बच्ची है ठीक है बच्ची खूबसूरत है पढ़ी लिखी है अब उनकी डिमांड है जनाब हमें यहाँ का रिश्ता नहीं दिखाईगा हमें डिफेंस का रिश्ता दिखाइएगा तो जो डिफेंस में रहने वाले लोग हैं तो उनकी भी तो कोई डिमांड है ना अगर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप अपनी बच्ची के लिए अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर इसका फिर हम ज़ाहिर यही मशवरा देते हैं कि देखें फिर इस तरह नहीं होता आप एरिया चेंज करें अच्छा आप ये देती है बिल्कुल क्योंकि देखिए अगर और हमारे क्लाइंट्स मानते भी हैं और उससे कोई फायदा होता है बहुत फर्क पड़ता है बिल्कुल फर्क पड़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे ही एरिया चेंज हुआ रिश्ते माशाल्लाह हो गए मैं नहीं, मैं आपको, <laughs> नहीं, नहीं, आपको वाकई हाँ। 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 बता रही हूँ हाँ। हाँ। वाले भी ना अब थोड़ा सा इन चीजों का इश्यूज लेते हैं कि नई लड़की अच्छी होनी चाहिए खूबसूरत हो वेल सेट मतलब साफ सुथरे इलाके की हो अब मेरे पास रिश्ते आते हैं तो वही लिखा हुआ होता है एरिया हम जब मैं अपने फॉर्म देती हूँ रिक्वायरमेंट के एरिया में जो कॉलम आता है तो ये कम्पैटेबल मैच कि अगर आपका लड़के लड़का जो है वो अच्छे एरिया में रह रहा है वो एरिया में रह रहा है तो लड़की भी अच्छे एरिया की वो लोअर एरिया में नहीं जाएंगे

वो अगर लोकेलिटी नहीं चेंज कर पा रही है घर नहीं चेंज कर पा रही है तो फिर इसका मतलब ये यार इन दी एंड करना पड़ता है ना। कर, कर लेते हैं पता है क्यों देखिये टाइम बहुत जब हो जाता है ना अब अठारह साल की बच्ची है करते करते रिश्ता दिखाते दिखाते 24 साल की हो गई फिर फिर अम्मा को समझ आया कि जनाब अब हमने कर लेना चाहिए हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए आपने कहा था ना भाई उस वक्त क्यों नहीं मानी अच्छा फ़रियाल ये बताएं ऐसा कभी हुआ है मतलब मैं मजाक की बात कर रही हूँ एक ऐसा कभी हुआ है कि लड़की वाले हैं लड़की जो है वो देखने में बहुत अच्छी नहीं है फ़र्ज़ करें गुड लुकिंग नहीं है और एक अच्छा रिश्ता हासिल करने के लिए माँ बाप जो हैं टेम्प्ररी एक बड़ा अच्छा सा घर देख लेते हैं रेंट पर कि बच्ची का रिश्ता अच्छा हो जाए और रिश्ता अच्छा हो गया लड़की रुख्सत हो गई अब पेरेंट्स ने लड़की के पेरेंट्स ने अब घर चेंज करके वो वापिस उसी जगह चले गए तो ऐसा होता है मतलब इसमें कुछ ऐसे केसेस <laughs> देखे तो लड़ाई झगड़े नहीं लड़की तो मिल गई ना लड़का बिल्कुल नॉर्मल सा उनका एवरेज है बिल्कुल बस अल्लाह कबूल करे उसकी खूबसूरत को लड़की कबूल कर लेती है लेकिन होता यह है कि अगर लड़की वाले ऐसा करते हैं ना तो फिर अब तो कुछ नहीं हो सकता

वो बचेनाथ नहीं पढ़ी लिखी तो उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो अपने ही जैसे अब जैसे कोई ऐसा रिश्ता आता है हमारे पास तो वो कह देते हैं कि हमें कोई इशू नहीं है आप हमें यहीं की लड़का लड़का दिखा दें या लड़की दिखा दें लेकिन जो अगर अच्छा रिश्ता चाहिए लड़की वालों को तो फिर आपको भी अच्छी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा ये एक फेवरेबल देखें बिल्कुल अल्लाह की बाकी अल्लाह की मर्जी है हमारे पास जो केसेस आते हैं ना हम अपनी बात कर रहे हैं मैच मेकिंग की फील्ड की बात कर रहे हैं ये मैटर करता है अदरवाइज अगर आपके अपने फैमिली मेंबर हो या अपना खुद से आपने कहीं किए मैच मेकर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया हमें ये चीज़ें सारी आती हैं हमारे सामने ये हर्डल्स आते हैं तो फिर हम लोग फिर यकीन वाने यही मशवरा देते हैं लड़की वालों को थोड़ा सा घर चेंज कर लो बहन अल्लाह अल्लाहियाँ तुम्हारी बच्ची के नसीब अच्छे करे हो जाएगा मामला है तो यानी कि वाले को ये पहले से सोच लेनी चाहिए चीजें कि जब बच्चियाँ प्लान अहेड वाली बात है ना उसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा फिलहाल एक क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस इस क्वेश्चन का वेट करी होगी और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन इशू है वो ये है कि बाहर से रिश्ता आया रिश्ता हो गया शादी हो गई अब लड़की यहीं है लड़का चला गया शादी करके और वो बुला नहीं रहा और बुला इसलिए नहीं रहा कि पता चला कि उनकी वहाँ भी एक फॉरेन वाली भी है देसी वाली भी देसी भी है। वाली भी तो अब इस केसेस में क्या आपके पास कोई ऐसे सीनारी आते हैं केसेस तो फिर क्या होता है देखिए अव्वल तो मैं आपको एक चीज़ इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस भी दूंगी इस हवाले से वैसे तो खैर ऐसे केसेस आते हैं बिल्कुल के लड़का आया शादी की और जी लड़की को छोड़ छाड़ के चला गया सबसे पहले निगाह रजिस्टर करवाएं ओके सबसे पहले निकाह रजिस्टर करवाएं क्योंकि अगर वो लड़का में, में, okay. तो अच्छा, okay. में मसले मसाइल होंगे बस ये अलार्मिंग है okay. ये बहुत बड़ी अलार्मिंग है और इसी से समझ आना चाहिए क्योंकि या तो उसकी वहाँ वर्थ नहीं है क्योंकि वहाँ के इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं कुछ उसके हिसाब से जो अपनी जो फैमिली को बुला सकता है वाइफ को बुला सकता है तो इतनी उसकी जॉब अच्छी नहीं है उसकी इतनी वर्ड नहीं वही सारी बातें अगर ना ये सारी उस चीज़ से कनेक्ट हो रही हैं कि मालूम कि आपको मालूम अच्छी होनी चाहिए और बिलफर्ज़ अगर ऐसा कोई सीन होता है कि लड़की से शादी करके वो चला गया और लड़की यहाँ मौजूद है एक साल गुजर गया दो साल गुजर गया लड़की सिर्फ़ अम्मा अबा की उनकी खिदमतें कर रही है तो बस वही तो एक तरह से माँ बाप की खिदमत के लिए एक लाया एक ना लिए। वो आता भी है चक्कर लगाता है चला जाता है वो तो सिटीज़न है वो हाँ, तो छः महीने चार हाँ, महीने में आ सकता है कोई मसला नहीं है ऐसे में अगर लड़की नहीं रहना चाहती ज़ाहिर सी बात एक लिमिट तक वो इंतज़ार करेगी बिल्कुल तो वो खुला के लिए जैसे वो केस अगर डालती भी है तो वो केस जाता है वहाँ के एम्बेसी में वो उसको वहाँ के काउंसलेट से जो है वो रुजू करना पड़ता है और ये नोटिस उनको भिजवाना पड़ता है वहाँ के जो कौंसलेट ऑफिस है वो वो नोटिस वो हेल्प करते हैं वो उसके रेजिडेंट पे भी भिजवाएंगे ठीक है तो ये चीज़ एक मैं आपको बता रही हूँ एक सबसे बड़ी अवेयरनेस ये कि अगर आप ये काम करने जा रहे हैं बाहर के लड़के से रिश्ता करने जा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी डिमांड यही होगी कि निका नामा रजिस्टर होना चाहिए

बहुत मसला हो गया ना, for any reason. अपना फॉर एनी रीजन मारता पीटता है मे बी वो शराबी है वट एवर घर वाला नहीं है तो बाहर रहते हुए वो कौन सा इदारा है कौन लोग हैं कि वो किस को अप्रोच करे उसके घर वाले तो सारे यहाँ हैं पाकिस्तान में अब वो अकेली लड़की वहाँ उस आदमी का किस तरह मुकाबला करे कहाँ किधर जाए वट इज़ दस दैट फर्स्ट प्लेस पुलिस स्टेशन जाए क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँगी बल्कि सबको पता होगी ये अवेयरनेस तो देने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे यहाँ औरतों को इतने हकूक़ नहीं है हमारे यहाँ की पुलिस में जाओ तो वो मामले को दबा देते हैं कि ये आप लोगों का अपना आपसी मसला है भाई इसे खुदल करो वहाँ ये सब नहीं है यू हो यू हो ये आपकी हेल्प करते हैं आप पुलिस में जाओ आप हाँ वहाँ उनसे बात करो कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है मत बर्दाश्त करना अभी सिटीजन नहीं है वो लड़की लेकिन अरे ना हो ना हो उसका केस तो सबमिट हुआ हुआ है ना सही उसका पासपोर्ट तो सबमिट हुआ हुआ है ना उसका प्रोसेस तो चल रहा है ना एक तो उसको लाजमी तौर पर पुलिस से रजू करना चाहिए वहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं या अपने काउंसलेट से उनको रजू करना चाहिए उनके एम्बेसी से रजू करना चाहिए मतलब ये सारी प्रोसेस हैं बहुत आसान है ये तरीका सबसे आसान है क्योंकि वहाँ ख़वात को बहुत हकूक़ है वहाँ एक कॉल जाती है और सब खत्म तो बस पे वो हाँ। लड़की का सोशल हमें ये पूछ रही थी कि वहां प्रोटेक्शन राइट्स है जैसे हैरेसमेंट के जो है, केसेस होते हैं हमारे यहां नहीं है वहां बहुत है जिस तरह के भी केसेस होते हैं वो पुलिस वहां पर उनको सॉल्व करती है और बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज को वो लेके चल रहे होते हैं कि ये जो है बिल्कुल सही तरीके से इनका हस्बैंड इनको रखा हुआ है यानी वो बिल्कुल उनको सर्चिंग पे रखे हुए होते हैं हैं ऑब्जर्वेशन चल रही होती है डोमेस्टिक वायलेंस के बिल्कुल। अंदर हो, सकते हैं। बिल्कुल हो हो सकते बिल्कुल सवाल आए थे एक तो उम्मे इनाया ने सवाल किया व्हाट इज ऑब्सेशन विद अब्रॉड रिश्ता तो उम्मी इनाया हमने पूरा पॉडकास्ट कर डाला इस पे आप पता चल गया मामला बिगड़े भी तो कहाँ जाओ exactly, सब बता बिल्कुल एंड दूसरा है रमशा सुहेल का सवाल है उनका सवाल ये है कि वाई डू रिच गर्ल्स ओनली प्रेफर रिच बॉयज़ एंड वो क्यों नहीं सेटल होती ऐसे लड़कों के साथ जो प्रॉबली अमीर नहीं हैं लेकिन एजुकेटेड हैं और अच्छी फैमिलीज़ हैं तो फिर ये अमीर लड़कियों को ये क्या ऑब्सेशन है अमीर लड़कों से सिंपल बात है वो एक बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली में मतलब पली पढ़ी हैं उनका मैार अलग है यार डेफिनेटली तो उनको चाहिए भी वैसे उसी तरह का अब एक अमीर लड़की कैसे जस्ट सपोज एक टू थाउजेंड यार्ड की लड़की या वन थाउजेंड यार्ड की लड़की वन में आएगी वो एडजस्ट हो सकती है वो कभी भी नहीं हो लेकिन हम फिल्मों में देखते हैं ना वो, वो बजने लगती है है, है। लगता हवाएं चलने लगती है फिल्मों में और रियलिटी में बहुत फर्क है एक बच्ची की ब्रिंगिंग अब ब्रिंगिंग ऐसी हुई है जी कि वो उठेगी तो उसको नाश्ता भी मेज पे रखा हुआ मिलेगा उसकी सारी चीजें

हाई प्रोफाइल लड़की है रिच फैमिली की लड़की है और उसकी शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली लोअर नहीं मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है तो यार एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़ों का बायस बनती है क्योंकि देखिए वो बच्ची एक आदि है एक अपने अच्छे माहौल की उसकी आँख खुली है वो उसने सोने का आ, क्या है? निवाला और चांदी की प्याली देखी है तो वो कैसे यार एडजस्ट करेगी सोचे ना रुब ना हम भी बेटियों वाले हैं हमें भी पता है इस चीज़ का कि अच्छी फैमिली की जो बच्चियाँ होती हैं तो फिर उनको अच्छी फैमिली अपनी बेटियों को इतना सोने के निवाले मत दें हर चीज़ का आदि बनाए कि वो हर माहौल में एडजस्ट हो सके। लेकिन और... ये मैं कहती और... हूं, मैं, मैं बोलती हूं। कोई आती है मेरे पास ऐसी ना कि देखें हमें लड़का तो मैं आपका हक है आप कोई खूबसूरत लड़का आया है मैं एक छोटी सी बात कर रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा प्यारा लड़का आया है मेरे पास एक ठीक है मैं खुद कह रही हूँ ये डिजर्व करता है इसको बहुत प्यारी लड़की दिखाई आपके भी होते होते हैं क्यों नहीं होते? आपको भी भी प्यार प्यार आता आता है 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 बहुत क्यूट इसको लड़की भी फिर वैसे ही मिलनी चाहिए फिर हम उसके आ, लिए बड़ा मेहनत करते, करते हैं तो ये चीज़ है कि वाकई में ये बात हकीकत है कि रिच जो फैमिलीज की बच्चियाँ होती हैं ना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट करना उनको और वाइस वर्षा के कोई अगर लो इनकम फैमिली से है और उसका फॉर सम रीजन अगर हाई उसमें क्लास में या अपर क्लास में हो जाए तो वो एडजस्ट कर लेते हैं उसमें अलग तरह के मसले होते हैं कभी आपने अपने केसेस में देखा कभी ऐसा हुआ या आपका रेयरली इस तरह के रिश्ते आप कह रही हैं होते हैं बस बहुत कम होते हैं इस ऐसे वाले रिश्ते बहुत ज्यादा है जो मैं बता रही हूँ सही,

भी उसकी भी तो डिमांड्स हैं। वो कब तक बर्दाश्त करेगी जजाकला फरियाल फॉर बीइंग विद आपके साथ हमेशा की तरह बहुत मजा आया एंड आई होप कि आपके साथ फिर हम एक पॉडकास्ट करेंगे डिपेंडिंग के अभी लोगों के क्या सवाल और आने वाले आप तैयार हैं अगले पॉडकास्ट के लिए दुआ करें ने जिंदगी दी जरूर खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अपनी आवाम के अपने ऑडियंस के साथ जरूर बातचीत करेंगे जो भी सवाल आते हैं बता दें क्या है ताकि हम उसके फिर उस तरह जवाब दे सकें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि बाहर का रिश्ता इज नॉट एवरी थिंग वॉट एक्चुअली मैटर्स इज के हम अवेयर हों अगर हम अपनी बच्ची को या बच्चे को बाहर भेज रहे हैं किसी रिश्ते में बांध कर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके लीगल जो मैटर्स हैं उसके साथ बहुत अवेयर हों हम खुद बहुत साउंड पर्सनालिटी के मालिक हों कि हम इमोशनली ड्रैग ना हो जाए लोगों की फजूल की डिमांड्स के पीछे आपका अपना समझदार होना आपका अपना नॉलेजेबल होना लीगली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू अप्रोच फरियाल स्क्रीन पर आप फ़रियाल का नंबर देख सकते हैं सो so अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो कोई भी सवाला हों किसी भी किस्म के रिश्ते की तलाश हो तो यू कैन अप्रोच फरियाल ऑल्सो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप भी अवेयर हों और आप लोगों को भी अवेयरनेस दे सकें डोंट वगैरह टू लाइक एंड सब्सक्राइब मोमकास्ट अगर आपकी भी कोई स्टोरीज़ हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं तो डू शेयर विद देक केयर अल्लाह हाफि